कोलेबिरा जाने का मेन रीजन यही है कि बादल बाहर टच हो गया है। थोड़ा देरी बाद थोड़ा सा जंगल उंगल में पहुंचे, पूरा जंगल है जंगल। जीप सा क्रिएचर है, देखना चाहोगे? नवदा स्कूल में मेरा फर्स्ट टाइम, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा अच्छा निकला। अनपेड कूलीस बॉयज हॉस्टल गाइस। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नया ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग निकल चुके हैं और एक मस्त सी राइड पे, और अभी हम लोग हैं सलडेगा वाला रोड में। तो चलिए फिर बताते हैं आप लोग को कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो आज हम लोग थोड़ा सोचे हैं कि थोड़ा लंबा चलते हैं। तो भाई एक बार मौसम का हाल देखो यार, कैसा हो रखा है उधर देखो, पूरा फोक फोक एकदम मस्त लग रहा है भाई। हल्की हल्की बारिश की बूंदें और ये सुहाना मौसम, क्या मज़ा आता है यार। और ये जो हरा हरा सिनारियो दिख रहा है ना, इसका तो बात ही अलग है। सबसे मेन बात तो जो उधर फोक फोक दिख रहा है आप लोगों को हल्का हल्का, हमको दिख रहा है, कैमरा में दिख रहा है नहीं दिख रहा है नहीं पता, हमको तो पूरा क्लियर दिख रहा है। और मेन बात तो क्लियर हम लोग को पहाड़ नहीं दिख रहा है, फोक क्लियर दिख रहा है। और हमारे साथ में है अपना इंटरको वाला भैया विक्रांत, और हम लोग आज कोलेबिरा जाने का मेन रीज़न यही है कि विक्रांत का भाई को कोलेबिरा ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं। तो सोचे क्यों ना एक ब्लॉग हो जाए, जब जा ही रहे हैं उतना दूर। तो भाई मज़ा लो यार, बारिश का जो नहीं निकलता है उसके लिए दुख का बात है। जो बोलता है कि बारिश से भींग जाएंगे सर्दी खांसी हो जाएगा, उसको उतना सोचोगे तो यार बारिश का मज़ा कैसे लोगे? बारिश का मज़ा लेना है तो निकलना तो पड़ेगा। तो भाई इधर ज़्यादा बकरबाजी नहीं करते हैं, पहले आगे चलते हैं, क्योंकि भाई इससे ज़्यादा अच्छा अच्छा सीन मिलने वाला है आगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा नहीं तो। पहले आगे जाते हैं, उधर में और भी बहुत अच्छा अच्छा सीन मिलने वाला है, तो बने रहिए ब्लॉग में। भाई एक बार उधर का नज़ारा देखो कैसे लग रहा है, ऐसा लग रहा है साला पहाड़ में वो बादल टच हो गया है कि बादल पहाड़ में टच हो गया है, लेकिन जो भी हो टच तो हुआ है भाई, क्या बताएं यार। जब कैमरा बंद था ना इतना सारा नज़ारा मिस किया कि काहे बताएं, और अगर सबको दिखाने लग जाएंगे तो सारा मूवी बन जाएगा एक तो अभी रोड ट्रिप का, तो इसलिए उतना तो नहीं दिखा सकते हैं, पर कुछ तो दिखा ही सकते हैं जितना हो पाएगा उतना। और हम लोग पहुँच गए हैं अभी बेलगढ़। ओहो नज़ारे नज़ारे और वॉट। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं सिरिंग बेड़ा, मतलब पहुंचे नहीं हैं, पूरा पूरा पहुंच ही रहे हैं। और लोग को देखो पूरा आ रहा है नहीं ठोकने का नहीं रहेगा भाई। बारिश तो देख ही सकते हैं यार, बारिश पूरा जोर शोर से हुआ पड़ा है। जिसको भी नहीं पता कि ये जगह कहां पर है, अगर आपने मेरा पहले वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि कहां पर है ये लोकेशन। और छाता देख रहे, क्योंकि छाता पकड़ा है और साला चार जन आदमी हमको भगवाया है लोग वहाँ से, और बारिश बारिश तो हो ही रही है अभी भी, देख सकते हैं कहाँ पर है। बारिश में भींग भींग के समझ रहे हो ना, बारिश का पूरा मज़ा ले रहे हैं। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से स्पीड में, अभी बहुत लंबा जाना है और मज़ा तो आ रहा है यार बारिश में भींगते भींगते। हल्का हल्का बारिश हो रहा है, थोड़ा थोड़ा एकदम। अभी यहाँ से कोलेबिरा होगा अराउंड 20 किलोमीटर बाकी होगा। व्यू तो मस्त आ रहा है इस पूरा सब तरफ, तो थोड़ा देरी बाद थोड़ा सा जंगल उंगल में पहुँचेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो भाई हम लोग आ गए हैं पूरा जंगल वाला इलाका में, देख रहे हो कैसे जंगल है सब तरफ, पूरा जंगल है जंगल। और इधर का लीन यार, इतना अच्छा अच्छा लीन मिल रहा है ना, लेकिन बारिश के चलते लीन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो समझ रहे हो दोनों चक्का ऊपर आदमी नीचे, और हो जाएगा 90 डिग्री लीन, मज़ा आ जाएगा फिर लीन मार के। यार इधर का रास्ता तो ऐसे है यार, दिख भी नहीं करता है उधर मोड़ में कुछ हो। अभी हम लोग पहुँच गए हैं काफ़ी सामने कोलेबिरा के, लगभग 10 किलोमीटर बाकी है और बहुत सारा नज़ारा मिस कर दिए, मतलब कैमरा से आँख से तो देख लिए हैं। बीच में थोड़ा बारिश भी तेज़ हो गई थी, इसीलिए फ़ोन वोन नहीं निकाल रहे थे ज़्यादा, नहीं तो फ़ोन के तो लग जाते। तो भाई एक बार जंगल का नज़ारा देख लो आप लोग कैसे लग रहा है, पूरा जंगल ही जंगल आए हैं यार, देख रहे हो ना कैसे जंगल है पूरा सब तरफ, जंगल के बीच में रोड, और यहाँ पर ये आंटी लोग क्या वो क्या बोलते हैं पुटू ढूंढ रही है, जो जमीन में नहीं मिलता है छोटा छोटा, इतना बड़ा बड़ा साइज का पुटू ढूंढ रही है। अगर आप लोगों की तरफ क्या बोलते हैं पुटू को तो हमको नहीं पता, हमारे तरफ तो पुटू ही बोलते हैं। भाई बारिश फिर से स्टार्ट हो गई यार, अभी फ़ोन निकाल ले, अभी तुरंत बारिश स्टार्ट हो गई, 5 मिनट नहीं हुआ फ़ोन निकाले से और बारिश स्टार्ट। हमारे ग्रुप का एक अजीब सा क्रिएचर है, देखना चाहोगे? साइड में हारा, बीच में अंधेरा लग रहा है रोड पूरा, कैमरा में तो अपने से एडजस्ट कर ले रहा है लाइट वाइट को, तो इसलिए दिख रहा है वैसे, और यहाँ साला आँख से दिख नहीं रहा है ठीक से, अंधेरा अंधेरा लग रहा है पूरा जंगल जंगल। एक बार नज़ारा देखो यहाँ का, मस्त लग रहा है पूरा मैदान है मैदान, ये
हम लोग पहुंच गए हैं कोलेबीरा के काफी करीब। हम लोग पहुंच गए कोलेबीरा टाउन पहुंच गए हैं। अब सोच रहे हैं थोड़ा सा अच्छा से कर लिया जाए पेट पूजा, क्योंकि सुबह से खाली पेट समझ रहे हो, भूख तो लगा है अच्छा से, कुछ खाना पड़ेगा नहीं तो फिर एनर्जी नहीं रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं कोलेबीरा चौक और यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हुए हैं। तो चलिए अब थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं जल्दी से, सबको भूख से बौरा रहा है यहाँ पर, बिहान सबको भूखाली से निकला है अंधेरे। तो चलिए अब जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं पहले। तो भाई हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया और अभी हम लोग निकल गए हैं अपने भाई को ड्रॉप करने के लिए, मतलब भैया को ड्रॉप करने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं और सीधे इसको जहाँ ड्रॉप करना है वहाँ पर मिलते हैं। हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ हम लोग को आना था, तो हम लोग यहीं पर आने वाले थे, नवोदय स्कूल। और फिलहाल तो अंदर जाते हैं। भाई यू आर इन नवोदया, नाउ यू कैन स्माइल। तो भैया पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं हम, तो नवोदय स्कूल में मेरा फर्स्ट टाइम, अच्छा लग रहा है यहाँ पर भी। इसको छोड़ना है मेन बात, तो अभी और जन आ गया है। पहली बार नवोदया में, बहुत ही मजा। क्या है पीएम श्री स्कूल जहार नवोदय विद्यालय सिमडेगा। यहाँ पर यह क्या मूर्ति वूर्ति बनाया हुआ है, क्या है वो आंटी क्या पकड़ी है, प्लेट पकड़ी है, और यहाँ पर क्या चौंगा पकड़ा है, अरे नगाड़ा मंदिर। क्रिसमस ट्री देखो ना, ये सही लग रहा ज़्यादा। और उधर क्या है, वो बुद्धा शायद, वही है, हाँ वही है बुद्धा स्थान। तो जितना एक्सपेक्ट किया तो उससे ज़्यादा अच्छा निकला, उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा होगा। अब लग रहा है हम कहीं नहीं आए नवोदय में। एंट्री वेंट्री सब हो गया है, वो लोग पता नहीं कहाँ जा रहा है। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं हॉस्टल की तरफ, हॉस्टल में सामान सब कुछ तो फेंकना है उधर। ओके अब हम लोग चले हॉस्टल की तरफ। इधर ना मेरा अनपेड क्या बोलते हैं कूली है, अनपेड कूली, दोनों अनपेड कूलीस। और हम लोग पहुँच गए हॉस्टल, ये रहा हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल गाइस। हॉस्टल भी अच्छा है। हो गया सब काम धाम, हम निकल रहे हैं यहाँ से, हम लोग जाना है सिमडेगा वापस हम लोग को। चलिए अब निकलते हैं सीधे यहाँ से, थोड़ा स्पीड से सिमडेगा जाना है अभी, 50-60 किलोमीटर और ऐसे हमको लग रहा है, लेकिन उतना है नहीं, जबकि है 20-25 किलोमीटर बस। तो चलिए अब सीधा आगे मिलते हैं।